नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश इस वक्त विधानसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर है और ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार का ये जो चुनाव है ये काफी घमासान भरा होने वाला है और जिसके नतीजे जो है वो कहीं ना कहीं दिख भी रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं चुनावी यात्राओं के बारे में। ये यात्राओं वाला जो शब्द है ये कहीं ना कहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा प्रचलन में आया है, क्योंकि इसके पहले के जितने भी चुनाव हुए हैं वहां पर चुनावी रैलियां हुआ करती थी, लेकिन इस बार का ये जो चुनाव है यहां पर चुनावी यात्राएं हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि जब पहले चुनावी रैलियां हुआ करती थी तो नेता एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक जिले से दूसरी जगह हेलीकॉप्टर से जाता था, रैली करता था, फिर वहां से उड़ करके तीसरे जिले पहुंचता था, वहां संबोधन करता था और उसके बाद वापस अपने जगह पर आ जाता था। लेकिन ये जो चुनावी यात्राएं हैं इसने पूरा फॉर्मूला पलट दिया है, इसने सब कुछ बदल दिया है। दरअसल इस चुनावी यात्रा के जरिए जो नेता है वो कहीं ना कहीं गाड़ियों के काफिलों के जरिए बसों में बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं और उस दौरान एक जिले से दूसरे जिले के बीच में जितने जिले मिल रहे हैं उन जगहों पर वहां पर जो जनता है वो जनता भी हाईवे पे सड़कों पर इकट्ठा हो रही है और नेता उनसे रूबरू हो रहे हैं। तो ये फर्क है चुनावी यात्राओं में और चुनावी रैलियों में। यहां पर जो जनता है वो ज्यादा रूबरू अपने नेता से हो रही है, चाहे हम वो अखिलेश यादव की रथ यात्रा की बात कर लें या फिर बीजेपी का भी अब आने वाले दिनों में जो छह यात्राएं उनकी चुनावी शुरू होने वाली हैं उसकी बात कर ले या प्रियंका गांधी की भी बात कर ले। प्रियंका गांधी भी कई बार सड़क मार्ग से एक जिले से दूसरे जिले गई हैं और रास्ते में जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, उनसे रूबरू होती रही है। और फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो लगातार उनकी तरफ से भी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं किस करवट बैठेगा ये अभी कहा नहीं जा रहा, क्योंकि उनका भी जो रोड मैप है उन्होंने किसी के सामने नहीं रखा है। लेकिन ये जरूर कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता लड़ रही है, उस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो जाएंगे कहां, किसी के साथ जाएंगे, अकेले जाएंगे, क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस बार का ये जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं छोटे राजनीतिक दल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो बड़ी पार्टियां हैं उनके लिए भी काफी समस्याओं भरा होने वाला है, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कौन सत्ता में आ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी भी अब अपनी चुनावी यात्राएं शुरू करने वाली है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो जन सैलाब उनकी विजय यात्रा में मिला है, चाहे जिलों में मिल रहा हो, चाहे सड़क पर मिल रहा हो, ललितपुर में भी आज देख लिया गया, आजमगढ़ में भी देख लिया गया, उसी की वजह से बीजेपी ने भी अब अपना प्लान बनाया है कि आने वाले दिनों में वो अपनी जो यात्राएं हैं वो शुरू करेगी और जिलों जिलों में जाकर के, घरों घरों तक जाकर के बीजेपी के नेता केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बताएगी, उनका बखान करेगी। प्रियंका गांधी भी लगातार प्रतिज्ञा रैली कर रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत अहम चुनाव कहा जाता है, क्योंकि कहा यही जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिसने अपनी सत्ता जमा ली उसके लिए केंद्र का जो रास्ता है वो काफी आसान हो जाता है। और चुनाव में, चुनाव की आचार संहिता में अगर एक अनुमान के अनुसार देखा जाए तो बहुत समय नहीं बचा हुआ है। 18-20 दिन बाद हो सकता है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लगा दे, क्योंकि पॉलिटिकल पावरफुल प्रदेशों में जहां जहां चुनाव होना है वहां पर सबसे ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल स्टेट उत्तर प्रदेश ही है। और इसको देखते हुए अब जो रणनीतियां हैं, जो तैयारियां हैं, वो राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं, क्योंकि कभी भी उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है 18-20 दिन के बाद, अनुमान है ये, हो भी सकता है कि लग जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई सारे जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए डू और डाई की समस्या है। कहा जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव में बेहतर नहीं कर पाई तो आने वाला जो भविष्य है उनकी राजनीति का वो लगभग खत्म हो जाएगा। बसपा के लिए भी इसी तरह कहा जा रहा है कि बसपा तो बिल्कुल खत्म है, लेकिन जिस तरह से मायावती और उनका संगठन काम कर रहा है लग नहीं रहा है कि बसपा खत्म है। आम आदमी पार्टी को सब नकार रहे थे, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बना ली है जनता के बीच, लगातार उनके जो राजनीतिक कदम है वो बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद उनसे भी लगाई गई है बहुत सारी। तो कुल मिलाकर बहुत सारी जो राजनीतिक दल है उनके लिए डू और डाई की समस्या है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, क्योंकि 5 साल बाद ये चुनाव है और चुनाव में अपना रिजल्ट बेहतर करना ये लगभग सभी राजनीतिक दल चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव, कांग्रेस, इनका जो दमखम दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव की जो रथ यात्राएं निकली हैं, कांग्रेस का जो अभी रैलियां चल रही हैं, आज भी प्रियंका गांधी ने रैली की है, तो उससे साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं
ये बीजेपी के लिए समस्या हो सकती है आने वाले दिनों में, ये कहा जा रहा है। और ये होगी कि नहीं होगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन समस्या जरूर है क्योंकि जो अन्य राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में ज्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं। और कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की बात कर ली जाए तो लगातार प्रियंका गांधी जनता के मुद्दों पर अपने आप को खड़ा करती हुई देख रही हैं और जनता के सामने खड़ा कर रही हैं, तो इसका नतीजा भी कहीं ना कहीं उनके पाले में आएगा या नहीं आएगा ये भी देखना है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस और सपा अलायंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जो छोटे छोटे दल हैं, अलग अलग राज्यों की जो छोटी छोटी, अलग अलग जो जिलों की छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास जो जातिगत वोट बैंक है, उससे समाजवादी पार्टी का जो अलायंस बना है वो कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस जो बीजेपी का अलायंस है उसके सामने ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। और इसी की वजह से बीजेपी अब अपना फुल प्रूफ प्लान लेकर आ चुकी है। बीजेपी कह रही है कि हम चुनावी यात्राएं करेंगे, हम जिले जिलों में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में बताएंगे। और इसी की वजह से केंद्र के जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और लगातार रैलियां, लगातार जनसभाएं, बूथ सम्मेलन, पार्टी के संगठन की बैठकें, ये सारी जो चीजें हैं ये उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के अलग अलग जिलों में चल रही है। जनता को तोहफा देने का भी काम और प्रयास चल रहा है। तो राजनीतिक यात्राएं उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में काफी अहम हो चुकी हैं रैलियों के मुकाबले। रैलियों का प्लान, रैलियों का रोड मैप अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं बताया है, लेकिन यात्राओं के जरिए यह जरूर बता दिया गया है कि आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव की तैयारी के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल जो है वो शुरू से ही तैयारी में लग गए हैं और इसी वजह से सड़क मार्ग से जनता से रूबरू होकर के अपने गंतव्य तक पहुंचना, अपना भाषण देना, जनता को मनाना और उसके बाद उम्मीद जता लेना कि ये जनता अब हमारी है, हमें वोट देगी। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की 22 की लड़ाई ये राजनीतिक दल शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहा जाता है कि भारत यात्राओं का देश है, तो अचानक से ये जो चुनावी यात्राएं जो है ये राजनीतिक दलों को इतना क्यों भाने लग गई, इनका क्रेज इसमें क्यों इतना बढ़ गया है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बयान सुनिए और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिले थे और उस वक्त कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश के अंदर हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा। मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। जब हम लोग सत्रह में आए थे तब माननीय अमित शाह जी ने इस बात को कहा था कि किसानों के बारे में बहुत स्पष्ट नीति होनी चाहिए, गन्ना किसानों का समयबद्ध तरीके से भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत पौने पांच वर्ष के दौरान 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में किया गया। चुनाव का मुद्दा ना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर है, ना बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, ना श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विषय है, लेकिन जो विषय है वह एक ही सवाल है, वह बताएं मैं जो विरोध कर रहे हैं वह जवाब दें। श्री अखिलेश यादव जी से पहला मेरा सवाल है, वो बताएं कि कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव भक्त हूँ, मैं गंगा भक्त हूँ, तो बताएं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं कि नहीं चाहते, इसका जवाब देना पड़ेगा। जो हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे चप्पल वालों को, उन्होंने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। 100 रुपए पार हो गया कि नहीं हो गया पेट्रोल? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, हर चीज महंगी। ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे? हम गरीब लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए, इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है। और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है,
अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं, ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग, जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे, अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं। और आपको ऑक्सीजन और दवाई और बिस्तर के लिए लाइन में अस्पतालों में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? इसलिए ललितपुर वालों, मन बना लो, इस बार लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना, इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग। आपको कहा गया था मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, क्या बना? केवल एक ही चीज स्मार्ट है, स्मार्ट मीटर और स्मार्ट लूट। और मैं बहनों को कहना चाहती हूं कि आपको सशक्त करना चाहते हैं हम, मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहती हूं। 40% मैं कह रही हूं कि 40% टिकट महिलाओं को मिलने चाहिए, क्यों कह रही हूं? तो इस प्रमुख राजनीतिक मुद्दे पर हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, और कुछ मेहमान अभी थोड़ी देर में और जुड़ेंगे। सबसे पहले जो लोग जुड़े हुए हैं उनका उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और इस चर्चा को शुरू करते हैं। गौरव मिश्रा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आप प्रदीप चौधरी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रीतपाल सिंह सलूजा साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से भी कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस डिबेट को उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गौरव जी आप ही के पास आना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। गौरव जी, ये आप लोगों की एक संगठन की बैठक कुछ दिनों पहले बीजेपी कार्यालय पर हुई थी लखनऊ में, और उसके बाद आप लोगों ने रणनीति बनाई कि अब हम लोग भी अपनी चुनावी यात्राएं शुरू करेंगे, तो सपा वाले कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की यात्रा में इतनी भीड़ जो इकट्ठा हो रही है उसी का डर है, इनके माथे पर उसी का शिकन है, और उसी वजह से गौरव मिश्रा या फिर बीजेपी वाले अब जान गए हैं कि अब हमें यात्राएं शुरू करनी पड़ेंगी नहीं तो समस्याएं हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी के लिए यात्रा उनके लिए चुनावी फायदा लेने के लिए हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करने और यात्रा के मोड में ही रहती है। आपको ध्यान होगा 2016 में परिवर्तन यात्राएं 4 स्थानों से भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था, 2017 में परिवर्तन के लिए, और जनता ने उसको बहुत सराहा और बहुत आशीर्वाद दिया, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय एक संकल्प था जो लूट चल रही थी प्रदेश के अंदर उसको खत्म करने का, और एक ऐसी सरकार बनाने का जिससे कि प्रदेश को आगे ले जाया जा सके। आज जब 4.5 वर्ष से ऊपर हो गए और फिर पुनः हम चुनाव के बीच में जा रहे हैं, तो हमारा लेखा जोखा, हमारी उपलब्धियां, हमारे किए हुए काम, वो अपने आप लोगों के सामने चीख चीख करके बोल रहे हैं, और जनता के साथ एक संवाद स्थापित करने का, कनेक्ट स्थापित करने का। और सत्ताधारी दल जब अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच में जाता है तो उसकी विश्वसनीयता और बढ़ती है। यही कारण है कि 2022 के चुनाव के मद्देनजर हम फिर विजय संकल्प यात्रा के साथ जनता के बीच में जाने वाले हैं, और हमारे जो सांगठनिक क्षेत्र हैं पूरे उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्र हैं, उन सभी 6 क्षेत्रों से हमारी विजय संकल्प यात्राएं निकलेंगी, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का फिर आशीर्वाद और स्नेह इन यात्राओं में अपार उमड़ेगा। अच्छा, इसमें कहीं कोई अच्छा नहीं। गौरव जी, 2 सवाल हैं। एक तो अखिलेश यादव का, क्योंकि वो आज ललितपुर में थे और वहां ये कह रहे थे कि आप लोगों ने जनता को लाइन में खड़ा कर दिया था, अब यात्रा करने निकल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद में थी और उन्होंने कहा कि मुरादाबाद को आप लोग स्मार्ट सिटी बना रहे थे और क्या बना दिया है, क्या बदहाल व्यवस्थाएं हैं वहां पर, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुरादाबाद प्रियंका जी के लिए बहुत निकट का शहर है, और मुरादाबाद में 54% से ज्यादा आबादी जो है वो अल्पसंख्यक समाज से आती है, और लंबे समय तक आज भी तुष्टिकरण में अंधे होकर के विपक्षी दल राजनीति करते हैं। लेकिन आपको एक छोटा उदाहरण देंगे कि 30,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मुरादाबाद में बने हैं वो अल्पसंख्यक समाज के हैं। पूरे मुरादाबाद को इन्होंने एकदम पिछड़ा बना करके रख दिया था, और कहीं ना कहीं जो वहां का ध्रुवीकरण, राजनैतिक ध्रुवीकरण था, उसके विकास को रोक करके रखा था। लेकिन हमारी सरकार ने मुरादाबाद क्या पूरे प्रदेश को विकास के मार्ग पर अग्रसर कर दिया है। उसका पूरा लेखा जोखा सरकार लेकर के जाएगी, हमारे नेता लेकर के जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। मुझे लगता है कि उनके पास कोई विषय नहीं है, और जिन विषयों को उठा रहे हैं उनके लिए अवसर जनता ने उनको दिया था।
और जब उनके हाथ से अवसर चला गया और हमारी सरकार ने उसको कर दिखाया, हमारी पार्टी ने उसे कर दिखाया, तो अब उनके पास कोई विषय और कोई मुद्दा बचा नहीं। ठीक है, प्रदीप चौधरी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप भाई आवाज मिल रही है आपको ना? हाँ मिल रही है। प्रदीप भाई, अखिलेश यादव की रथ यात्राएं निकल रही थी, विजय रथ यात्रा, अब बीजेपी भी अपनी चुनावी यात्राएं शुरू कर रही है, तो अब आप लोग बीजेपी को कॉपी करेंगे आगे चल के कि नहीं करेंगे? नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोले। नितिन जी, कॉपी तो समाजवादी पार्टी की बीजेपी कर रही है। अरे हमारी रथ यात्रा का ये पांचवा छठवा चरण है और बीजेपी लगातार रथ यात्रा की तैयारी समाजवादी पार्टी की नकल करके रथ यात्रा की तैयारी कर रही है। अच्छा, इन लोगों ने हमारा गाना चुरा लिया। कौन सा? एक गाना जो हमारा विकास का गाना है, वो भी गाना महाराज जी ने चुरा करके उसी गाने पे अपना गाना बनाया है। दूसरा, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी जनपदों में जा रहे हैं और वहां जनसमूह उमड़ रहा है, जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए जनता घरों से निकल करके अपने महबूब नेता विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी को सुनना चाहती है और देखना चाहती है। ये भीड़ नितिन जी कोई आजमगढ़ की तरह डीएमसी 40,000 रुपए 40,00,000 रुपए सरकारी पैसा दे करके या परवैन की बसों से बुला करके या सीडीओ बीडीओ पंचायत राज अधिकारी पर दबाव डाल के राशन डीलों के द्वारा बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये भीड़ स्वतः अपने नेता को सुनने के लिए, प्रदेश में परिवर्तन लाने के लिए, महंगाई से त्रस्त होकर, भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर, व्यापार से त्रस्त होकर, लगातार जिस तरीके के किसान खाद की लाइन में ललितपुर में एक किसान मारा गया, नोटबंदी में तमाम लोग मारे गए, लोगों को इलाज नहीं मिला, लोगों के रोजगार चले गए, व्यापार चला गया, एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सारी बातें जब इकट्ठी हो जाती है कि 350 रुपए का सिलेंडर 1,000 का हो गया, 1,300 रुपए का कॉमर्शियल सिलेंडर 2,200 रुपए का हो गया, 55 रुपए का पेट्रोल डीजल 110 रुपए हो गया, ये आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त है। अच्छा एक सवाल लीजिए, एक सवाल लीजिए प्रदीप भाई। बीजेपी कह रही है कि वो अपने 5 साल का कार्यकाल और केंद्र सरकार के 7.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें जो काम किया गया है वो घर घर जाकर बताएगी इन योजनाओं के, इस यात्रा के तहत, तो आपके पास आएंगे तो सुनेंगे कि नहीं आप? नितिन जी मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में काम किया है तो अपने सारे विधायकों को दोबारा टिकट दे करके जनता में भेज दें, एक भी टिकट ना काटे अपने सिटिंग में लेके, इनको अपनी औकात पता लग जाएगी। अरे गांव में घुसने के लिए इनका एमएलए तैयार नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? 5 साल में सिवाय झूठ के जुमलेबाजी के कोई काम ही नहीं किया है और एमएलए तो बहुत छोटी बात है। बताइए इकोना स्टेडियम किसने बनाया जिनका नाम योगी आदित्यनाथ जी ने बदला? नहीं तो गांव में जाएंगे तो आप रोकेंगे क्या इनको? मैं ये कह रहा हूँ जनता रोकेगी, हम नहीं रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहली बार सांसद गांव में पिटके आ रहे हैं, विधायक गांव में पिटके आ रहे हैं, आम जनता में इनके प्रति गुस्सा है। जिस तरीके का इन्होंने 5 वर्ष में लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया है, उनको योजनाओं से वंचित रखा है, पीड़ित लोग हैं आज देश में। नोटबंदी ने लोगों को झकझोर दिया, कहां गई इकोनॉमी, कहां गया काला धन, जीएसटी ने लोगों को व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। ठीक है मैं आता हूं प्रदीप भाई, फिर नितिन जी एक मिनट और लूंगा। हाँ जल्दी पूरी कीजिए। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए भीड़ आ रही है, लाखों लाखों लोग रात को 4-4 बजे तक रोडों पर इंतजार करते हैं, ये कुर्सी खिसकते देखते हुए इनकी, और ये लगातार धर्म के नाम पे इनके केशव मौर्या जी ने एक ट्वीट किया है, क्योंकि विकास के नाम पे राजनीति नहीं कर सकते, विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। क्या आप नहीं चाहते क्या मथुरा में मंदिर, मथुरा वाले मामले पे आप नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक हो जाए? मथुरा से अच्छा शांत देश में कोई जिला नहीं है। तो केशव मौर्य ने यही तो कहा है, तो आपको तो साथ देना चाहिए। ये रसकान की नगरी है, ये रसकान की नगरी है, भगवान कृष्ण की नगरी है। ठीक है ठीक है, यहाँ की फिजा, भारतीय जनता पार्टी के लोग फिजा खराब करना चाहते हैं। ठीक है मैं आता हूँ फिर। जिस तरीके का आज उत्तर प्रदेश में माहौल है, भाई से भाई लड़ाने का, जाति धर्म की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्या विकास की बात कर पाएंगे, नौकरी रोजगार की बात कर पाएंगे? ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है मैं आता हूँ फिर। कोई भी
पेपर सही सलामत नहीं हो पा रहा, जो वैकेंसी निकलती है बच्चे तैयारी करते हैं भर्ती लीक हो जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब जनता ने मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लीक करने का। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ फिर आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस से, आपका बहुत स्वागत है मैडम। प्रियंका जी, आप लोग की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो रही थी, अब बीजेपी भी अपनी यात्रा शुरू करने जा रही है, वो कह रही है कि हम अपना जो कार्यकाल में जितना भी हमने काम किया है वो जनता के बीच जाकर बताएगी, तो इसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, सबसे पहले तो जनता पूछेगी ना कि आपके पिछले संकल्प पत्र में आपने क्या लिखा था। आपने जो रोजगार की बात करी थी, 70 लाख रोजगार देने की बात करी थी, वो भी पूछेगी जनता। आपसे ये भी पूछेगी किसानों का आपने कितना कर्ज माफ कर दिया, आय दुगनी हुई कि नहीं हुई। आपसे ये भी पूछेगी कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान आपने कब किया, ये बताइए। गड्ढे भरने की बात करी थी आपने, वो भी नहीं भर पाया। तो पूछेगी ना जनता कि आपने किया क्या। बेरोजगारों के हाल ये है कि कोई पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ है, और आपके खुद के सांसद अब ट्वीट कर करके बोलने लगे हैं कि भैया ये जो रेलवे की भर्ती है ये पूरी कब करोगे, जितनी नौकरियां निकलती हैं, कभी एग्जाम होते हैं, एग्जाम के लिए सालों वेट करते हैं, एग्जाम हो गए तो रिजल्ट के लिए, रिजल्ट आ गए तो उसमें भ्रष्टाचार के लिए, तो ये युवा कहाँ जाएगा? तो ये जाके बताएंगे क्या ये लोग? तो वही तो पूछना है कि ये जाके क्या बताएंगे। अब जाने की कितनी हिम्मत जुटा पाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये तो अब इनको जनता ही बताएगी। क्योंकि जनता के अंदर जिस तरह की जो सवाल हैं, जो महंगाई, इन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए कि अब के बार फलाने की सरकार बहुत ही महंगाई की मार, अब कहाँ है? अब ये वादे नहीं अपने बोलते दोहराते हैं। नोटबंदी क्यों की थी, आज तक ये किसी को समझा नहीं पाए। काला धन अब हो सकता है सफ़ेद हो गया हो, तो उसके बारे में भी नहीं बता पा रहे हैं। तो पूछेगी ना जनता कि भैया कि आपने जो जो वादे किए उसमें से कितने पूरे किए, कितनी महिलाओं को सुरक्षा मिल गई, कितने लोगों को लैपटॉप मिल गया, कितनी जेबी डेटा फ्री मिल गया, तो ये सवाल जनता आपसे पूछेगी। और वैसे भी जनता के हाथ में तो यही समय आता है, 5 साल जनता इंतजार करती है और उसके बाद ये देखती है कि कौन किसके वादे पूरे हुए और किसका कार्यकाल कैसा था और कौन सी पार्टी रिलायबल है और जनता की बातें उठा रही है। इनकी सबसे बड़ी चीज है इनकी जो विजय यात्रा या फिर इनकी जो यात्राएं निकलेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की भी विजय यात्रा निकल रही, बीजेपी की भी यात्रा निकलने वाली, तो इसका जवाब आप लोग के पास क्या है? देखिए, जनता ने सभी का कार्य देख लिया है, तो अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो जनता के मुद्दे उठाएगा जनता उसी को जो है समर्थन देगी। और पिछले 4.5 साल से अधिक के कार्यकाल में जिस तरह से प्रियंका गांधी जी एक के बाद जनता के हर एक मुद्दे उठा रही हैं, चाहे वो जो है लखीमपुर की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, जितनी भी घटनाएं हैं, जिस तरह से प्रियंका गांधी जी आगे आई हैं, जिस तरह से उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है जनता के लिए, जिस तरह से महिलाओं की समस्याओं को आगे लेकर आई हैं, इसीलिए उन्होंने अपने प्रतिज्ञा पत्र में महिलाओं के लिए स्पेशल जो है प्रावधान किए हैं, जिसमें उन्होंने जो है इलेक्शन लड़ने में भी 40% सीटों का रिजर्वेशन किया है महिलाओं के लिए, और उसके साथ में कई तोहफे हैं जो महिलाओं के लिए हैं। और इस बात की प्रतिज्ञा यात्रा का मतलब ही यही है कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं और हम इस जितने भी संकल्प हम ले रहे हैं इस समय उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और जब भी सरकार आती है तो हम इनसे पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है, क्योंकि उसका पूरा रोड मैप तैयार है। और जनता के हाथ में गारंटी पत्र भी जाएगा चुनाव से पहले, ताकि जनता को पूरा विश्वास हो जाए कि जितने भी वादे प्रियंका गांधी जी कर रही हैं, जितनी भी प्रतिज्ञा यात्राएं कर रही हैं और जितने भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि जनता बदलाव के मूड में है। और जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता ऊब चुकी है झूठे वादों से, झूठे जो है जो जितने भी इन्होंने प्रोपेगेंडे बनाए, सबसे जनता ऊब चुकी है। अब आपकी ही जितनी स्पीच पुरानी होती है उन्हीं को जनता आप देख रही है, तो वो सोच रही है ना कि आप जो कहते थे उन बातों में कभी खरे नहीं उतरे। तो जनता के साथ झूठ बोलने वाले को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है मैडम। प्रीतपाल सिंह जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। प्रीतपाल जी, आप लोग का कोई रोड मैप अभी तक पता नहीं चला कि आप लोग यात्रा करेंगे या चुनावी रैलियां करेंगे या किसी और के साथ जाएंगे। बीजेपी ने अपनी यात्राएं शुरू कर दी हैं, उसका जो प्लान है वो लगभग तैयार हो चुका है और कुछ दिनों बाद वो निकल जाएंगे अलग अलग जिलों में नेताओं के नेतृत्व में। समाजवादी पार्टी भी कर रही है, आप लोगों की क्या तैयारी है, कैसे इस पूरे चुनाव को मैनेज किया जाएगा आप लोग की तरफ से? नितिन जी, पहले तो यात्राओं को लेकर अगर बात हम लोग रखें आम आदमी पार्टी की ओर से, तो माननीय सांसद संजय सिंह जी ने 2018-2019 के बीच में 3 बड़ी यात्राएं जो हैं वो युवाओं की नौकरियों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और अन्य मुद्दों पर इन्होंने 3 बड़ी बड़ी यात्राएं जो तकरीबन 900 किलोमीटर की थी पैदल यात्रा। तो बीजेपी कॉपी कर चुकी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, कॉपी की बात नहीं है, वर्तमान में जो चुनाव उत्तर प्रदेश का आ रहा है, अगर बच्चे ने अच्छा काम किया होता अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है। विजय रथ यात्रा का क्या मतलब हुआ बताइए? विजय तो 2017 में आपको मिल चुकी है, अब तो आपको रिपोर्ट कार्ड अपना लेके जाना है। विजय रथ यात्रा तो अखिलेश यादव निकाल रहे हैं, इनकी तो
यात्रा होगी, चुनावी यात्रा इन्होंने नाम दिया, जिसमें ये बताएंगे 5 साल और 7.5 साल में इन्होंने काम किया। अखिलेश ही निकाले या विपक्ष निकाले या कांग्रेस निकाल रही है, ये तो अपनी अपनी यात्राएं निकाल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो रिपोर्ट कार्ड यात्रा निकालनी चाहिए। मैं तो अपने आपके चैनल के माध्यम से जो गौरव मिश्रा जी बैठे हुए हैं, ये मैं इनको एक सुझाव देना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी 2020 के चुनाव जब दिल्ली में उतरी थी लेकर, तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके निकली और जनता के बीच में आके कहा, अगर मैंने आपकी बिजली मुफ्त की हो, आपका पानी मुफ्त किया हो, महिलाओं को सुरक्षा दे पाए हो, महिलाओं को बसों में आवागमन मुफ्त कर पाए हो, या और भी जो सेवाएं हम लोग शिक्षा पे स्वास्थ्य पे काम कर पाए हो, तो आप मुझे वोट दीजिएगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को वोट दे दीजिएगा। ये दमखम भारतीय जनता पार्टी दिखा पाएगी उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर? नहीं दिखा पाएगी। कारण, क्योंकि 2017 में इन्होंने जो जो वादे किए थे उस धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। अभी निकटतम निकट भविष्य में अगर आप देखें कोरोना की दूसरी लहर में, इसी उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर हमारे बड़े बुजुर्गों की, छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों की मौतें हुई हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाई योगी सरकार, यहाँ पर उनको बेड नहीं मुहैया करा पाई। अगर वो मृत्यु के काल क्रास में चले भी गए, उसके बाद शमशान में जगह नहीं दिला पाई। अगर किसी मीडिया बंधु ने या किसी साथी ने उसको चैनल पे चला दिया, तो शमशान घाट पे बड़ी बड़ी चादरें लगा दी। ये विकास का मुद्दा क्या ये लेके जाएंगे? अभी चौधरी जी कह रहे थे, सपा के प्रवक्ता, कि इनके पास दम नहीं है कि इनके जो MLA है अगर उनको रेगुलर कर दे, उन्हीं की टिकट अगर रेगुलर कर दे, तो ये लोगों के पास वोट मांगने के जाने के लिए, गांव में जाने के लिए हिम्मत नहीं इनके पास। ये सत्य है। अभी निकट भविष्य में प्रधान चुनाव निकला, प्रधानी चुनाव में मैं स्वयं कई जगहों पे, मुझे पार्टी के द्वारा भेजा गया प्रभारी के तौर पर, मैं गांव-गांव लोगों के बीच में गया। आम आदमी पार्टी ने, चूंकि किसानी मुद्दा चल रहा था, किसान के कारण, किसान की सेवा में आम आदमी पार्टी पूरी तरह सेवादार के रूप में लगी हुई थी, तो किसानों ने बढ़ चढ़ कर हम लोग का स्वागत किया, आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को दौड़ा दौड़ा के भगा दिया जा रहा था। आपके चैनल के माध्यम से कई जगह लोगों ने दिखाया, वो भी अच्छी चीज नहीं है। राजनीति के लिए सबसे बुरे दिन इन दिनों में चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सीधा चौड़ा करके ये नहीं कह पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कह के आई तो उसने किया, एक भी काम वो नहीं गिनवा पाएंगे। अगर कोई भी कार्यकर्ता, वो परेशान है, वो लोगों को ये नहीं समझा पा रहा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, वो लोगों को ये नहीं समझा पाया कि 360 का जब सिलेंडर हुआ करता था, यही भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, स्मृति ईरानी ले लीजिए, शिवशंकर प्रसाद ये ले लीजिए, ये बदन कपड़े उतार उतार के लोगों के बीच में बड़े बड़े नेता उतर जाया करते थे सिलेंडर सिर पे लेके, स्मृति ईरानी सड़क पर निकल पड़ती थी। आज क्या महंगाई नहीं है? आज महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हो रहा उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर? छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, दलित लोगों को थाने में बुला बुला के पीट पीट के मार दिया जा रहा है, जो सुरक्षा का स्तर होता है वो भी नीचे चला गया है। लोगों का विश्वास था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की धरती से बुरी तरह से उखड़ने वाली है, बस 2022 का ही इंतजार है। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, ये दो तीन चीजें निकलकर सामने आई। एक तो प्रदीप चौधरी कह रहे हैं कि आप लोग के नेता जो हैं वो गांव में घुस नहीं पाएंगे, अगर विधायकों को वही टिकट रिटेन आप लोगों ने करवा दिया तो वो जीत नहीं सकते हैं। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस यात्रा को आप लोग रिपोर्ट कार्ड यात्रा का नाम दे दीजिए। ये क्यों ये लोग ऐसा कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दूसरा बात तो बिल्कुल सही कहा, हम रिपोर्ट कार्ड के साथ ही जाएंगे जनता के बीच, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को अगर हम गिनाएंगे तो ये डिबेट तो छोटी पड़ जाएगी। 10 गिनवा दीजिए सर, 10। गौरव जी, गौरव जी, 10 पूछेंगे ना कि आपने बनारस को क्यूटो बना दिया कि नहीं बना दिया? 2017 की तो आपके चक्कर में नहीं पड़ेंगे गौरव जी, 2017 में आपने संकल्प पत्र आपका था, 10 योजनाएं गिनवा दीजिए आज। दस नहीं, मैं आपको अभी बताता हूँ, 44 योजनाओं में भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। क्या बात कर रहे हैं साहब, नंबर 1 पर है, क्या बात कर रहे हैं साहब? इसलिए मैं 10 दिन बाद आऊंगा, भाषण देने के चक्कर में पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, आपका विधायक उन्नाव का कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करता, 2 साल तक उसके FIR नहीं होने देती आपकी सरकार।
जी पकड़े जाते बच्ची के साथ क्राइम करते हुए, उसको बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाती जाती। मुकदमा लिख दिया आपने, उसके पिताजी की हत्या होगी, उसके बाप की हत्या होगी, उसकी मौसी की हत्या होगी, उसने मरवा दिया। बिल्कुल नंबर बना उत्तर प्रदेश, अपराध में नंबर बने। हाँ एकदम प्रदेश हो गया, एकदम चौधरी जी ने सही कहा इस बात को। उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर वन है, महिलाओं को सुरक्षा न देने के मामले में नंबर वन है, बेरोजगारी में नंबर वन है, सड़क जो गड्ढों में पड़ी उसमें नंबर वन है। भाई इनमें कुछ है ही नहीं, राम राम जपना पराया माल अपना। अखिलेश यादव ठीक है, एक एक करके प्लीज। और भाई राम के नाम पे भी चोरी की है, जो चंदा बहती है करोड़ में आया राम के नाम पर मंत्री बनाने का, उसमें भी सेलमारी कर दी। हाँ प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप भाई सुन लेते हैं गौरव जी क्या कह रहे हैं भाई। हाँ विकास की बात नहीं करना चाहते, अरे गिनवाने तो दीजिए भाई उनको पहले। अरे तो बोल तो रहे, बस सुन तो लीजिए आप। एक दूसरे में टक्कर मारने पर लगी, एक दूसरे में टक्कर मारने पर लगी। अरे तो सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, आप ही के पास आऊंगा। हाँ बताइए गौरव जी। किसानों के उसमें आ जाएगी सर्वाधिक किसान सम्मान निधि, 38,000 करोड़ किसानों के खातों में गया। 25 पैसे का चेक दिया, 100 रुपए का चेक दिया, करोड़ों रुपए का आयोजन करने के बाद किसानों को 2 रुपए का चेक, 25 पैसे का चेक, 35 पैसे का चेक दिया योगी आदित्यनाथ से, करोड़ों रुपए का आडंबर खड़ा करने के बाद। प्रदीप भाई, प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। प्रदीप भाई, प्रदीप भाई प्लीज, प्रदीप भाई, प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ गौरव जी बोलिए। प्रयाग जी, प्रयागराज कुंभ हुआ था, इनके शासनकाल में हुआ था, स्टैम्पेड हुआ, कितने लोग मारे गए, लाठियां इन लोगों ने चलवाया प्रयागराज कुंभ में। 29 करोड़ लोग प्रयागराज में स्नान करते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं, और एक गंदगी का तिनका भी जमीन पर नहीं दिखाई देता है। ये होता है सुशासन, योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रयाग का कुंभ महाकुंभ किया उसमें भी छेड़मारी कर दी। जो गाड़ियों, जो ट्रैक्टर लिए गए थे जोतने के लिए, वो ऑटो रिक्शे के और पुराने स्कूटरों के नंबर निकले, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने कर दिया कुंभ के नाम पर। जो लोग मोक्ष के लिए आते हैं उनको आप आमंत्रित करे जाओ, में मोक्ष दिलाओ, ये चोरी कराई योगी आदित्यनाथ जी ने। राम के नाम पर चोरी करने वाली पार्टी चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर पार्टी। क्यों नहीं, क्यों नहीं आपने उसे सरकारी नौकरियां कितना दी, कितने दिए थे आपने? भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर 35,000 करोड़ चंदा जुटाया, उस चंदे की चोरी की आज जांच क्यों नहीं करा पा रहे? नौकरियां, चंदे की चोरी क्यों नहीं जांच करा पा रही भारतीय जनता पार्टी? जो चंदा चोरी की है आपने, आपके नेताओं ने, राम के नाम पर उसकी जांच करवा लो ना, है हिम्मत जांच कराने की योगी के पास? योगी सरकार की सरकार है, विकास लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है गौरव जी। हाँ प्रदीप भाई क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, गौरव जी ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम विकास की बात गिना पाए। उन्होंने बताया कि उन्होंने रोजगार दिया है भाई, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया है, किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है। नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठ बोलने में तरक भी शर्म नहीं आती है। नहीं क्या, नहीं दिया क्या रोजगार? कौन सी भर्ती गिनाऊ में, कौन सी भर्ती गिनाऊ जो लीक ना हुई हो? सब आनी चाहिए, लोग 6-6 साल से 2-2 महीने से तैयारी कर रहे थे। में से
ठीक है प्रदीप भाई, मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ है, आज भी पद पर बना है, गृह मंत्री की कोई जांच कर पाएगा? किसी की हिम्मत है मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच कर पाएगा? अच्छा प्रदीप भाई ये बताइए, मंत्री से इस्तीफा लो और इस्तीफा करके निस्सर जांच कराइए। ठीक है ये बताइए, जनता के बीच में, किसानों के बीच में, नहीं ना ये बताइए, प्रदीप जी प्रदीप भाई गन्ना लेके बैठा है किसान, ठीक है 32,000 करोड़ 3240 करोड़ रुपए आज भी गन्ना किसान का बकाया है। ठीक है प्रदीप भाई आंकड़े तो पता नहीं है, ठीक है प्रदीप भाई मैं ये कह रहा था, बैठिए तो सही आंकड़े बताए तेरी। ठीक है प्रदीप भाई मैं ये कह रहा था कि कमियां तो आप लोगों ने बता दी बीजेपी की कहां कहां पर थी, अब जब ये बीच बीच में जाएंगे, यात्राओं में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो उसका फायदा कुछ ना कुछ तो होगा ना, इनको नुकसान आप लोग पूरा फायदा मिलेगा। गौरव जी से मैं कह रहा हूं, अगर इनकी पार्टी में चलती है तो किसी भी सिटिंग एमएलए का टिकट ना काटे, सबको दोबारा जनता के बीच में चुनाव लड़ने भेजे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, गांव में प्रचार के गांव के बड़े बनी घुस सकते हैं। ठीक है जो 200 विधायकों का टिकट काट रहे थे बिल्कुल अलग है, वो समाजवादी पार्टी से मेल नहीं खाता। क्या कहा आपके अपने नेता को ये सुझाव दीजिए, जहां 70% अपराध आपके विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्रों में हुए हैं, उनके सरपरस्ती में हुए हैं, उन्हीं को बांटिए टिकट, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। सीएम और डिप्टी सीएम खुद अपराधी है भाई, अपने मुकदमे बात उठनी है, आप अपराधी बात करोगे। और नितिन जी दंगा नहीं हुआ है भाजपा के सरकार में, दंगा नहीं हुआ है, 7,500 दंगे हुए थे आपकी सरकार में, 7,500 दंगे हुए जिस व्यक्ति को इन्होंने किसान आंदोलन में खालिस्तानी कहा था, किसान नेता को पंजाब में वो हरिचंद और जो नहीं नहाएगा वो अपराधी। ठीक है प्रदीप भाई हो गया प्रदीप भाई, ठीक है प्रदीप भाई, भाजपा के नेता किसानों के हत्यारे, ठीक है प्लीज, तमाम किसानों को कुचल के मार दिया। ठीक है प्रदीप भाई आ रहा हूं मैं, वापस आऊंगा। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी आपको लगता है कि बीजेपी की कमियां तो आप लोगों ने बता दी, गौरव मिश्रा ने यह भी बताया कि वो कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे जी। लेकिन कमियों के बाद जब इन चीजों को लेकर वो जनता को बीच जाएंगे तो क्या जनता मान जाएगी, मान सकती है और उसका फायदा होगा इन्हें? देखिए अभी गौरव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर रोजगार की बात कर रहे थे, तो बड़ी हंसी आ रही थी ये सुन के कि वो रोजगार की बात भी करते हैं। ये लोग तो कहते हैं 4.5 लाख ना ना ना, वही जब आरटीआई के माध्यम से आप पूछ के देखिए तो उसका जवाब क्या मिला है, उसका जवाब ये मिला है कि हमारे पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। और दूसरे आप वो भूल गए होंगे, एक लेखपाल की भर्ती हुई थी आपको याद होगा, जो बिना वैकेंसी के ही भर्ती हो गई थी, और भर्ती होने के बाद उस लेखपाल को जो है कहाँ जाना पड़ा था, शायद वो जाना पड़ा था उसको बॉर्डर क्रॉस करके जो है नेपाल जाना पड़ा था। तो ये हालत है इनकी भर्तियों की, तो सोच के भी हंसी आती है जब ये भर्तियों की बात करते हैं। और बच्चों के साथ तो बड़ा ही अन्याय हो रहा है कि आपको रिकॉर्ड देता हूं अभी, अरे रिकॉर्ड देता हूं गौरव जी, चुनौती भी देता हूं, माना कि आप माना पार्टी के प्रवक्ता है, पर थोड़ी तो इंसानियत रखिए, थोड़ा तो झूठ से परहेज करिए, आपको जनता के बीच में जाना होगा, जनता के सामने जाना होगा, ये झूठ नहीं चलेगा आपका, आप जनता नहीं झूठ आपका बर्दाश्त करेगी, आप जितने झूठ बोलने हैं सब बोल चुके हैं, उसी झूठ के आधार पे आपको जनता ने बहुत बहुमत के साथ बिठाया, पर आपने जनता को कुछ नहीं दिया, आपने अपने चंद मित्रों की तो जेब भरी पर जनता को आपने कंगाल कर दिया, आपने जनता को जीएसटी दिया, जिस जीएसटी को आज तक जनता भुगत रही है, आप बता नहीं पाए कि नोटबंदी के फायदे क्या थे, आपने ऐसा लॉकडाउन लगाया जो आप पूरी तरह से प्लान ही नहीं थे उसके लिए, लाखों लोग सड़कों पर रहे, और जब कोरोना महामारी आई तब भी आप तैयार नहीं थे, पहली लहर में चलो मान लिया, पर दूसरी लहर में भी आप तैयार नहीं थे, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, आज जब उसका मुआवजा देने की बात आ रही है तो आप मुआवजा भी नहीं दे पा रहे हैं उस जनता को। देखिए गौरव जी झूठ बोलना आप जनता के सामने जाना है तो कम से कम आप लोगों को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए तो थी। कि 3.5 लाख उन्होंने संविदा में नौकरियां दी हैं, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। अभी आपको बताएं कि रेलवे की भर्ती को लेकर एक अभियान चल रहा है, जो सबसे ज्यादा ट्वीट कर रहा है,
क्योंकि और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते जा रहे, सरकारी नौकरियां है नहीं और जो है उसमें वैकेंसियां नहीं आनी, तो ये हालत है। वरुण गांधी आपके सांसद नहीं है क्या? क्या कह दिए वरुण गांधी? वरुण गांधी सांसद रहे कि नहीं भाजपा के, ये बताइए। नहीं है, कहा क्या उन्होंने? आज उन्होंने ट्वीट किया, पूछो आप बताओ ना, और लिखा सारी भर्तियां लीक हो रही है, क्या कर रही है सरकार बताइए। वो वरुण गांधी तो पहले भी नाराज थे, वो किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने लिखा था, पता नहीं क्या दिक्कत है। पहली बार नहीं इनके साथ, इनके विधायक और सांसद नाराज है, ये तो शुरुआत से चली आ रही है। इनके विधायक, ये डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, वो वाकई में देखना है कि उसके इंजन में दोनों तरफ तो नहीं लगे हुए हैं कि गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पा रही है। हिटलर शाही लोकतंत्र नहीं बचा भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रीतपाल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए नितिन जी, लोग पूरी दुनिया में पाप करने के बाद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके अपने पाप को धुलने के लिए अरदास करते हैं, मत्था टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर आई थी, वो राम को आज भी टाट में डाला हुआ, राम मंदिर को जहाँ राम लल्ला जी का जन्म हुआ था, अरे भव्य निर्माण, ये आज भी टाट में, भव्य निर्माण पे भी मैं आ रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सारे पाप करने के बाद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च जाते हैं हम लोग, मगर ये राम के नाम पर ही इन्होंने इतने बड़े पाप कर दिए। उसी मंदिर में खड़े होकर, उसी प्रांगण में खड़े होकर इन्होंने जमीन की दलाली वहां करा दी, 35,000 करोड़ रुपए का बड़ा चंदा जुटाया, उस चंदे में भी इन्होंने सेंधमारी कर दी, 2-2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपए चंदा दिया था आपने, आम आदमी पार्टी ने कितना चंदा दिया था वो बता, आगे अपनी औकात पर भीख मांगने के, भीख मांगने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी, इसीलिए उसको पछता नहीं, बीच में बोलती है, लोगों को कहती है बीच में मत बोलो, बीच में कूदेंगे। मैंने कहा भाव मेरा यही है कि जनता ने देख लिया भाई, पाप तो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके भुनवा लाते हैं, माफी मंगवा लेते हैं, मगर जब मंदिर में खड़े हो के आप चोरी कर रहे हो, उसी राम के नाम पर आप चंदा चोरी कर रहे हो, उसका एक आज तक माननीय योगी आदित्यनाथ जो यूपी के, मैं माननीय इसीलिए लगा रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाँच कराई। अगर सांसद संजय सिंह जी चीख चीख कर इस बात को पूरे साक्ष्य के साथ मीडिया के बीच में और जनता के बीच में उतरे, तो उसकी एक छोटी सी जांच करा लेते। 5,000 करोड़ का आपने कहा था मानहानि का मुकदमा करेंगे, 5 रुपए का भी अभी तक नहीं कर पाए आप। अगर वो सच नहीं था, झूठ था, तो जांच करा लेते, सांसद जी संजय जी को जेल में भर देते। 17 मुकदमे तो योगी सरकार ने लगाए दिए, NSA तो लादी दिया, आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे ताला ठोक ही दिया, वंशराज दुबे पे मुकदमा लगा दिया, तुषार श्रीवास्तव पे लगा दिया, प्रतपाल सिंह पे लगा दिया, नीलम यादव पे लगा दिया, संजय सिंह पे लगा, किसको छोड़ा आपने? देखिए आम आदमी पार्टी ये बार बार कहती है, सीना ठोक कर कहती है कि हम जब उतरेंगे तो हम दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड लेकर उतरेंगे। हम कब उतरेंगे? अभी उतरे जनता के बीच में साहब, जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने बिजली योजना, बिजली गारंटी योजना चलाई, लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, लोगों ने भर भर के 2,75,00,000 उपभोक्ता उत्तर प्रदेश की धरती पर, 60,000 करोड़ का मुफ्त माफ बिजली बिल माफ होने वाला है, 60,000 करोड़ के घाटे में डिस्कॉम को डाल दिया। जब बात आ गए अपनी औकात पे, मैं उस पर भी आ जाता हूँ। डिस्काम चलाता कौन है? अरे गौरव जी, डिस्काम चलाता कौन है? अरे डिस्काम चलाता कौन है? आपके आका मोदी जी के आका चलाते हैं। दिल्ली के अंदर 2013 में नितिन जी जब हम लोग आए, तो इन्होंने कहा कि बिजली के रेट हम डिस्काम बढ़ाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा हम बढ़ने नहीं देंगे, मगर पिछली सरकारों ने उनसे अनुबंध कर रखा था, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा ठीक है, जो दिल्ली वासियों के लिए सबसे सस्ती बिजली देगा वो अपने अपने आके लेके आई है। खुले हम लोगों ने लोगों को कह दिया, उसी डिस्काम ने घुटने टेक दिए। दिल्ली में आज तक पिछले 6 साल तक लोग दिल्ली में बैठे, एक चवन्नी का बिजली का बिल नहीं पड़ा है। वहां बिजली मुफ्त मिलती है लोगों को, 73% दिल्ली वासियों को बिजली मुफ्त मिलती है। वही उत्तर प्रदेश की धरती पर 2,75,00,000 जो उपभोक्ता है, 2,30,00,000 लोगों का बिजली का बिल माफ आएगा। ये इनको पच नहीं रहा, इसीलिए राम की शरण में जा रहे हैं, अब भगवान कृष्ण के चरणों में भी चले गए हैं। अभी मथुरा के जो इनकी सांसद हैं हेमा मालिनी जी, आप लोगों ने भी कई बार चलाया ना, खेत में चली जाती हैं, वो जो खेतियर बिचारी महिलाएं जो काम करी उनका हंसुआ लेके और झूठ मूठ ऐसे पकड़ पकड़ के फोन जी है वही के इन्हीं के खर्चे पे। आपको याद होगा रेलवे स्टेशन मथुरा का बना था, तीसरे दिन धस गया था नीचे, मीडिया ने चलाया था कि नहीं चलाया था? भारतीय जनता पार्टी झूठ पे खड़ी हुई एक पार्टी है, ये पूरी तरह से ये समझ चुकी है, और एक गले का फांस भी है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह के और आपके मोदी जी के गले का फांस भी है, या ना निगल पा रहे हैं या बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये एकदम ये सत्य है, ये मजबूरी उनकी है, ये इनको ढो रहे हैं।
जल्दी ही आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई खंड 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 कर दिखेंगे। ये आम आदमी पार्टी नहीं, ये प्रवक्ता प्रतपाल सिंह हो, यहीं का एक नागरिक होने के नाते, वोटर होने के नाते आपसे बता रहा हूं। ठीक है, अब फाइनल कमेंट बताइए, आप लोग की रणनीति क्या है आगे की? भारतीय आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की रणनीति है जनता के बीच में जाएंगे। जो हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किए हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो सरोकार रखता है जनता का, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काम करेंगे, बुजुर्गों की सुरक्षा के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जो लोगों को टैक्स से, पैसे से, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं को नौकरियां, अच्छी अच्छी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा हो, उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बन सके, उस ओर जितने काम हम कर सकते हैं अग्रसर होकर आम आदमी पार्टी करेगी। यही हमारी नीति है, ये इसी के आधार पर हम लोग उतरेंगे। ठीक है प्रियंका जी, फाइनल कमेंट, क्या तैयारियां हैं और अब आगे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रतिज्ञा यात्रा लेकर आप लोग जिलों जिलों में जा रहे हैं, उसका नतीजा अब तक कितना आप लोगों को बेहतर दिखा है और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंच सकता है उससे? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अभी पर्ची की बात कर रहे थे, तो मैं ये बताना पूछना चाहूंगी कि आपने कोई गारंटी वारंटी ले रखी है क्या, या आपने ठेका ले रखा है कि कौन कितना भक्त है, ये हमें पर्ची दिखानी पड़ेगी? ये हमारा जो है आपस का मैटर है, ये हमारा पर्सनल मैटर है कि हम किसी धर्म के नाम पर आपने तो एफिडेविट दिया था ना, राम है ही नहीं। नहीं नहीं, आपने तो एफिडेविट दिया था। अरे भैया, पुरानी हिस्ट्री पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता, बिहारी वाजपेयी जी के स्टेटमेंट को भी सुन लेते तो आपको पता चल जाता कि क्या बोला गया। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में पर्ची दे दी, आपसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने क्या धर्म का कोई ठेका वेका ले रखा है क्या कि आपको पर्ची दिखाई जाएगी कि हमने कितना धर्म के नाम पे दान किया? हम आपको क्यों दिखाए भैया, आप तो धर्म के ठेकेदार हैं, यहाँ पर बैठे हैं। आप किस हक से मांगते हैं पर्ची, ये बताइए। नहीं नहीं, आप किस हक से ठेका लेके बैठे हुए हैं और आप पर्ची मांग रहे हैं, ये बता दीजिए। चित्रकूट, मुद्दों पर आइए ना, मुद्दों पर आइए। काशी, जिसकी 1400 से ज्यादा शिवलिंग निकाल के आपने नालियों में डाल दिए, वाराणसी में 1400 से ज्यादा शिवलिंग जो है नालियों में डाल दीजिए, वाराणसी में मंदिर तोड़वा दिया आपने, 1200 से ज्यादा मंदिर तोड़वा दिए वाराणसी में। वो ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर आने वाली, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पे 1600 से ज्यादा शिवलिंग नालियों में डाल दिए गए, मंदिर तोड़वा दिया आपने वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाजी के नाम पर जब भगवान राम की बात आप कर रहे हो और संजय निषाद से आपका पैक्ट है, और संजय निषाद ने अभी कहा है भगवान राम महाराजा दशरथ के पुत्र नहीं है, क्या आप उन्हें साथ रखेंगे या भगा देंगे? अगर राम से प्यार करते हो, अगर सच्चे राम भक्त हो तो आज ही पैक तोड़ देना, और अगर झूठे हो, केवल राजनीति के लिए राम की बात करते हो, तो उनके साथ चुनाव लड़ना और तोड़ के आपके पास आ जाए। अभी नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम मलाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारी तो बात ही नहीं हुई, हम ये कह रहे हैं ये भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उनके लिए हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। लेकिन जब भगवान जब गोली चलवा रहे थे राम भक्तों के ऊपर, उस समय क्या महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों के साथ भी सरकार बना लेंगे, अवसरवादी है, ये महबूबा मुफ्ती के साथ गलतियां करने वाले लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी पार्टी है, उनको दंड भी देने वाले हैं। प्रदीप जी की पार्टी का क्या समर्पण ये बताने की आवश्यकता नहीं है, वो पूछ रहे हैं, अपना प्रमाण दे दिया है, और जो खाद्यान्न घोटाला, एनआरएचएम घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, वर्मा रिवर फ्रंट घोटाला, जो घोटालों की सरकार चलाया हो, जो इतने बड़े बड़े घोटालों की सरकार चलाया हो,
उनको प्रमाण देने की बात कर रहे हैं, 5 साल के कार्यकाल में इतनी घोटाला निकाल तो पाए नहीं आप। अभी सो रहे थे क्या? आपकी सरकार पावर में है, अगर घोटाले हुए हैं तो सामने आने चाहिए ना, क्यों नहीं आ पा रहे? सब बातें करते रहते हैं आप, लोगों को इसी तरह बरगलाते रहते हैं, पर अब जनता आपके चक्कर में नहीं आने वाली। अरे भैया कब जेल में बंद किया? 2 साल आपने फायर नहीं दर्ज की, जब जनता के अंदर आक्रोश आ गया, मीडिया उसके साथ में हो गई, तब जाकर कहीं आपने जो है कैंसिल किया। जेल में ठूस दिया कुलदीप सिंह सेंगर को, जेल में ठूसने वाली जो है वो 30,000 कोर्ट है, और राम मंदिर का जो बहुत बड़ा राग अलाप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की देन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर बनाओ, 2 साल तक अब ईंट पत्थर नहीं लगा पाए, 2 साल निर्णय हो गया, ईंट पत्थर नहीं लगा आज तक। योगी आदित्यनाथ ईंट पत्थर नहीं लगा पाए राम मंदिर का, बस चंदा हड़पने में लगे हुए हम लोग। चंदा चोर पार्टी, चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चंदा हड़पने में लगी हुई। बड़े रसूख का आदमी है, अभी छोटी में अंदर के अंदर चोरी है, अब जनता नहीं आपकी भाषा में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगी 2022 में। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, युवाओं ने मन बना लिया, महिलाओं ने मन बना लिया, बुजुर्गों ने मन बना लिया, भारतीय जनता पार्टी अब खत्म। ठीक है आप सभी के, ठीक है, समय कम है, फिर चर्चा करेंगे किसी और दिन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफ करीब काफी आ चुका है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोविड की जो तीसरी लहर है वो भी काफी करीब आ चुकी है। तो ऐसे में अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, चेहरे पर मास्क लगाइए, और एक दूसरे से थोड़ी सामाजिक दूरी बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोविड की जो तीसरी लहर है वो लगातार हमारे और आपके पास पहुंच रही है, और इससे बचना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चुनाव करीब है, तो चुनाव में अपने मुद्दे और अपने नेता को भी चुन लीजिएगा कि कौन सा नेता इस बार आपके मुद्दे पर जीत कर अगर आता है तो आपके भले का काम, आपके विकास का काम करेगा। आज की डिबेट में इतना ही, मैं दिजनमति, नमस्कार।